हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे की कटिंग को लगाना बताऊंगी जो काफ़ी आसानी से लग जाती है और आपके गार्डन को बहुत ही शोभा प्रदान करती है और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड में कोलियस अवेलेबल होती है। और आप इसे एक बार अपने गार्डन में लाएंगे तो सालों साल आपका ये साथ निभाएगा। तो मेरे पास भी कुछ वेराइटीज़ है, पहले मैं वो आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसकी कटिंग को कैसे लगाना है वो बताऊँगी। एक ये वेराइटी है, देखिए कितना सुंदर इसका ये फोलियज है। इसमें बीच में पिंक है, साइड में मरूनी शेड है और साइड से ऐसे कट मार्क है और ग्रीन ग्रीन कहीं कहीं ये आता है। और ये देखिए, इसमें मतलब यूनिक पैटर्न नहीं है, कहीं ग्रीन ज़्यादा है, कहीं मरून ज़्यादा है, काफ़ी सुंदर लगता है ये वाला वैरायटी। चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फोलियज को। देखिए दोस्तों, ये ग्रीन एंड येलो के कॉम्बिनेशन में है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। जहाँ पे मैरून वाला और पिंक वाला कोलियस आप रखेंगे, वहाँ पर आप इसको भी रखिए तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ढेर सारा वैरायटी आप रखिए और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। चलिए और दिखाती हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरा जंगल के जैसा कोलियस का बना कर रखा हुआ है, पास पास काफ़ी रखी हुई है। और ये एक पूरा ही ग्रीन शेड में है और इसकी जो वेन है बस वो ही थोड़ा सा मरूनिस है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने लगा कर रखी हुई है, आप लोग देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से इसकी लुक निखर कर आ रही है, ग्रीन और डीप और लाइट का इस तरह से कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वैरायटी देखिए ये वाली है, ये पूरा ही मरून है और साइड में इसके एजेज में ऐसा ग्रीन बना हुआ है, काफ़ी सुंदर लगता है ये वाला वैरायटी भी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और एक एक ये वैरायटी है मेरी, और इसके जैसे जैसे फोलियज पुराना होते जाता है, इसका ये वेरिएशन डीप होते जाता है, रेड से मरून होते जाता है। और इसकी ये न्यू ग्रोथ है, एक ही प्लांट का कलर सेट देखिए कितना ही डिफरेंट डिफरेंट कलर सेट है। मेरे गार्डन का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल कोलियस यही है फ्रेंड्स, जो बहुत ही पसंद है मुझे। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग को कैसे लेना है, किस तरह से लेना है वो सब कुछ आपको बताऊंगी। कोलियस काफ़ी छोटे छोटे कटिंग्स में भी लग जाती है, लेकिन 1 से 1.5 इंच की कटिंग लेने से अच्छा रहता है। तो नोड एरिया को देखते हुए आप कटिंग लें। तो इतनी कटिंग लूँगी यहाँ से, अच्छी कट लेना है, बाद में मैं कटिंग लगा काट कर भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से तैयार करना। और ये ग्रीन वाले को, इसको भी उतना ही लूंगी मैं, ये देखिए। तो इस तरह से मैं कई कटिंग्स को कोलियस की लेकर आ गई हूँ। और चलिए मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये 1 से 1.5 इंच की कटिंग लेना है और टिप के पास से लेना है। और जहाँ नया नया ब्रांच जो निकलता है, सॉफ्ट ब्रांच, उसको लेना है, जहाँ से फ्लावरिंग जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, हम लोगों को नहीं लेना है जिसमें ऐसा फ्लावरिंग हो रहा है। फिर क्या होता है, ये कटिंग हम लगाते हैं, ये कटिंग लग तो जाता है ऐसे, हम लोग ऊपर की टिप हटा कर, और ऐसे फ्लावर वाला पार्ट का कटिंग हम लोग जब भी लेते हैं तो ये बहुत जल्दी ये उडी हो जाता है ये कटिंग। फिर जो जब हमारा कटिंग सक्सेस होता है, चल जाता है और ये प्लांट ग्रोथ करता है, प्लांट बनकर ये कटिंग जब भी, तो बहुत जल्दी ये उडी हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। फिर इसमें भी इस तरह के फ्लावरिंग बहुत जल्दी आते हैं, ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस तरह के पार्ट को ना लें, इस तरह के ब्रांच को कटिंग के लिए सेलेक्ट ना करें, ऐसे सॉफ्ट और नए ब्रांचेस को कटिंग के लिए सेलेक्ट करें, ताकि हमारा प्लांट यंग रहे, बहुत दिन तक अच्छा फ्रेश रहे। तो चलिए इस तरह से इसकी ये ब्रांच, साइड ब्रांचों और लीव्स को हटा देना है, ताकि ये मिट्टी में ना जाए और फंगस ग्रो ना करे।
तो ऊपर की पत्तियों को हटा दें ताकि मिट्टी से इसको टच ना हो, क्योंकि ये सॉफ्ट है ना, ये ब्रांच, ये कटिंग काफ़ी सॉफ्ट होता है तो ऐसे झुक भी सकता है। और कटिंग लगाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मॉइस्चर बना रहे मिट्टी का और सूखने ना पाए। और कभी भी कटिंग्स को लगाइए तो वो एकदम शेड में रखिए, एक हफ्ता तक धूप में मत रखिए, और मॉइस्चर लेवल उसका पॉट का बरकरार रखिए। तो इस तरह से आप अपने सारे कटिंग को तैयार करें दोस्तों, इस तरह से। और नोड एरिया पर काफ़ी ध्यान दीजिए कि नोड एरिया से ही रूटिंग होती है। और ये वाला चीज़ जो है, ऐसे इसको आप तिरछी कट नहीं भी देंगे तो चलेगा, जैसे ये नोड है तो इधर से ही रूटिंग लेता है। और नोड एरिया कहाँ होता है, नोड एरिया जहाँ से लीफ निकलती है, ये इसका नोड एरिया हुआ ये वाला, फिर यहाँ पर ये नोड एरिया हुआ, तो नोड एरिया को काफ़ी ध्यान रखना है और तिरछी कट देना है। वैसे इसमें अभी मानसून में तिरछी कट ना भी दे तो भी चलेगा दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं बाकी कटिंग को भी रेडी कर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने सारी कटिंग को तिरछी कट दे दी है, इस तरह से रेडी कर ली है। मैंने नीचे से सारे लीव्स हटा लिए हैं, तो आप सभी भी ऐसा ही करना है। आप सभी को तिरछी कट देकर और नीचे की नोड एरिया से लीफ को हटा लेना है ताकि मिट्टी में लीफ चिपके नहीं और फंगस अटैक नहीं करे और कटिंग स्ट्रेस में नहीं जाए। तो चलिए, अभी हम लोगों को कैसी मिट्टी लेनी है, सिंपल आप रेतीली सॉइल भी ले सकते हैं या सिंपल गार्डन सॉइल में ही आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर आपको रीपॉटिंग से बचना है तो आपको एक छोटी सी पॉट में रेडी करके भी लगा दीजिए, क्योंकि कोलियस की रूट बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती है, इसके रूट छोटे से ही होते हैं, तो आप इसको छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं इसको मिट्टी में लगा कर दिखाती हूँ। दोस्तों, मैंने पॉट रेडी कर ली है और इसमें इस तरह से मैं होल बना दे रही हूँ, और एक ग्रोइंग बैग में भी मैं इस तरह से होल बना दे रही हूँ। ये मैं पॉट रेडी करी हुई हूँ, इसको मुझे एक वेल ड्रेन्ड पूरा सॉइल ही पॉटिंग मीडिया बनाकर मैं इसको की हूँ। इसमें देखिए, एक और मेरा कोलियस चल रहा है, ये देखिए, और ये खुद ही गिरकर इसमें कटिंग ग्रो हो गए हैं दोस्तों, मानसून है। और ये इसमें बस सिंपल गार्डन सॉइल है, बस करना क्या है, हमें चार पांच कटिंग को इस तरह से बंचेस में लेकर ताकि बहुत ही अच्छा बूसी लुक आए, और इस तरह से मिट्टी में डालकर मिट्टी को इस तरह से हमें दबा देना है। और फिर मैं ये दूसरी वैरायटी को भी इसी तरह मैं एक साथ बंचेस में करकर ऐसे बराबर कर लेना है, और फिर सबको एक ही साथ मिट्टी में डाल देना है नोड को, और फिर मिट्टी को दबा देना है और वाटरिंग कर देना है। तो मैं अच्छे से इसको कर लेती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, और इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कर देना है, और इस तरह से बंचेस में लगाकर बहुत ही जल्दी हम लोग एक बूसी रूप पा सकते हैं। और वाटरिंग कर दे रही हूँ, आप चाहे तो पहले भी वाटरिंग कर सकते हैं। इस तरह से कोलियस की कटिंग लगकर तैयार हो गई, और अभी इसको शेड वाले जगह पर रखना है, धूप में ना रखना अभी, और शेड वाले जगह पे रखना है, और एक हफ्ता तक, उसके बाद इसमें चार से पाँच दिन में रूटिंग हो जाती है, क्योंकि अभी एरियल रूट भी निकला रहता है, लेकिन वैसी कटिंग को हम लोगों को नहीं लेना है। तो अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।